assalam alaikum hello hi everyone welcome to this video my name is Homera khan and i am going to speak urdu hindi language in this video before we start the whole topic i want to mention here that we already made an english version on this topic so if you are interested please find the link in the description इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि किसी भी कंपनी कतर एयरवेज एमरस एयरलाइन या किसी भी एयरलाइन के बारे में जो आपका असेसमेंट डे का इन्विटेशन होता है उसको कैसे पास करना है और उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो में शुरू से एंड तक हर एक बात को डिटेल में बताऊँगी चाहे वो इंटरव्यू के बारे में हो इंटरव्यू के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप डिस्कशन हो या रिटर्न टेस्ट हो सो आई विल ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो तो इस वीडियो में आपने क्या क्या गाइडेंस लेनी है वो जान लें What to wear on assessment day, example of what to wear during the event for male or female both. Company presentation, CV selection, English test, group discussion, short interview, final interview. Step 1. What to wear on assessment day. to be honest, if airport we to the airport or anywhere, हमारी जो ग्रूमिंग होती है वो बहुत इम्पॉटेंट रोल अदा करती है अगर हम असेसमेंट डे की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं वो आपने याद रखनी है फॉर मेल्स के लिए आपकी हेयर्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए मतलब छोटे छोटे और आपकी बियर्ड नहीं होने चाहिए अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं फॉर फीमेल्स आपकी हेयर्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी हेयर्स पोनी टेल की सूरत में होने चाहिए कोई भी बाल आपका ओपन या खुला ना हो नेल्स कट होने चाहिए प्रॉपर अटायर होना चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल बोथ क्या पहनकर जाना चाहिए आपको बताऊंगी रिम्बर अगर आप इन चीज़ों को भूल गए तो आप जॉबी भूल जाना क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेप टू एग्जाम्पल ऑफ वट टू वी आर ड्यूरिंग द इवेंट फॉर मेल और फीमेल बोथ फॉर मेल्स एक प्रोफेशनल वेल प्रेस्ड क्लीन वर्क सूट होना चाहिए पॉलिश शूज सॉक्स इन न्यूट्रल डार्क कलर हेयर स्टाइल कोई भी स्टाइलिश ना हो सिंपल प्रोफेशनल और क्लासिकल हो Clean shave must, no visible piercings or tattoos, no necklace. Wondering if you are married, otherwise, try to avoid. For females can wear a knee length skirt and blazer jacket. One of Muslim countries a long pant. If you business attire, it is professional. Button shirt not revealing any cleavage or shoulders. Pattern or attention grabbing colors are not encouraged. Stockings must be full length skin color. Shoes should be close and modest high heels. You will be asked to remove them during the height test only for cabin crew. Hairstyle is recommended to be in a bun with no loose hairs. Classic makeup, clean manicure with neutral colors or French style, no jewelry. एक्सेप्ट अ रिस्ट वॉच मैरिज रिंग एंड ईयर रिंग सजेस स्टर्स मेटालिक और डायमंड और वाइट फॉल्स स्टेप थ्री कंपनी प्रेजेंटेशन इस स्टेप में आपको कंपनी अपने बारे में बताएगी कि हम क्या करते हैं और किस तरह कम्पनी चलती है इस ड्यूरेशन में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी जो भी आप में सेलेक्ट होंगे और क्या सैलरी लेंगे और कौन कौन सी पोजिशन में क्या सैलरी हो सकती है इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कोई भी इसमें रिमूव या ऐड नहीं होता इट्स अ नॉर्मल स्टेप फॉर एवरी वन स्टेप फोर सी वी सलेक्शन इस स्टेप में आपको रिजेक्ट या अप्रूव किया जा सकता है अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे पास करना है तो आपने मेरी इस बात को फोकस से सुनना है कि सबसे पहले आपकी रिज़्यूम भी प्रोफेशनल होनी चाहिए अगर नहीं है तो आप एक वीडियो देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है रिज्यूम किस तरह से बनाई जा सकती है आपको आइडिया हो जाएगा और बिल्कुल फ्री है इसके कोई पैसे नहीं है इस स्टेप में आपसे रिज्यूम या सी ले ली जाती है इवेंट पर आपको कुछ देर बाद बाय नेम या टोकन नंबर जो आपको दिया हो उसी के ज़रिए से बुलाते हैं और जो लोग पास हो जाते हैं उनको साइड पर कर देते हैं और जिनकी सी या रिज्यूम अचीना हो उनको बाहर कर देते हैं न द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन यू आर कंसिडरिंग अ कैबिन क्रियो जॉब यू नो डैट दियर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अपलाइंग फॉर द सेम जॉब एंड योर फार इट गेट्स इवन हार्ड फार दर रिक्रूटेड टू फिल्टर आल दीकेशंस सो रिक्रूटेड के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि उनके पास हजारों और लाखों कैंडिडेट्स होते हैं तो वो आप किसी भी को सिक्स सेकेंड्स में चेक कर लेता है सो योर रेज्यूम शुड बी वारी क्रिस्प नॉट मेक अ लॉन्ग बोरिंग क्रिस्ट स्टेप फाइव इंग्लिश टेस्ट इसमें आपको एक टेस्ट दिया जाएगा और वो टेस्ट किसी भी तरह का हो सकता है जैसे कि आपको एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर आपको एक पैराग्राफ दे सकते हैं जिसपे आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से जवाब ढूंढो या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के बारे में जो मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं वो आप जवाब दें या फिर टिक मार करें उसमें से सवाल कंपनी के बारे में हो सकता है कि कंपनी कब बनी क्यों बनी कैसी है कौन इसका सीईओ है या फिर इसके कितने एयरक्राफ्ट हैं वगैरह वगैरह तो मैं आपको कहूँगी कि आप कंपनी के बारे में सब जान लें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये बातें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं स्टेप सिक्स ग्रुप डिस्कशन ये स्टेप बहुत खास है अगर आप इसमें पास हो गए तो आप फ़ाइनल इंटरव्यू या इस पूरे इवेंट को क्लियर भी कर सकते हैं आसानी से इस स्टेप में कंपनी एक रोल रखती है और सबको ग्रुप वाइज अलग कर देती है सब अलग हो जाते हैं तो उनको टोकन नंबर ऑलरेडी दिए होते हैं जब आप इवेंट पर आते हो तो स्टार्ट में आपको टोकन मिल जाता है जैसे कि एक नंबर में दो नंबर में आप वगैरह वगैरह जब आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी तो आपको उस ग्रुप के साथ एंड तक चलना है और आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा ग्रुप से रिजेक्ट भी होता जाएगा और अप्रूव भी जो लोग फाइनल इंटरव्यू तक तो पहुंच जाएंगे तो उनका फाइनल इंटरव्यू होगा और मोस्ट लाइकली वो लोग सेलेक्ट लो लो भी हो जाते हैं अब हम इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फेज़ की तरफ आते हैं वो ये कि जब आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा या दिया जा सकता है कि आप लोग एक क्रैश प्लान से नीचे गिर गए या फिर आपके पास टू सीट्स अवेलेबल हैं और पैसेंजर की लिस्ट बहुत बड़ी है जिसके अंदर आपकी कंपनी का मैनेजर एक यंग कपल एक प्रेग्नेंट वोमन विद किड तो आपके पास सिर्फ दो तो ऑप्शन होंगे कि आपने किन किन लोगों को सीट देनी है इस तरह के कुछ सवाल आपके ग्रुप में दिए जाएंगे और सब लोग मिलकर उसका सोलूशन निकालेंगे इससे ये साबित होगा एंड में कि आपका टीम वर्क कितना है आपके लीडर कौन है और आपस में आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस स्टेप का पर्पज़ ये होगा और सबसे ज़्यादा लोग इसी में रिमूव होते हैं मीनस रिजेक्ट होते हैं और एक चीज़ याद रहे आप ये क्लियर कर जाएँ तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे विश शो ऑल द बेस्ट स्टेप सेवन शॉर्ट इंटरव्यू अच्छा ये स्टेप आपसे किसी भी टाइम लिया जा सकता है फॉर एग्जांपल ये स्टेप बीच में भी हो सकता है जिसमें आचार वाले आपको बुला लें और आपसे एक छोटा सा सवाल करें कि आप अपने बारे में कुछ बताएं टेल मी अबाउट योर या वो कहें कुछ इस तरह का कि ये जो आपने ड्रेस पहना है आपको क्यों पसंद है और आपने ये इंग्लिश में बताना है इसकी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस वाले स्टेप को क्लियर कर जाएंगे फाइनल स्टेप एंड फाइनल इंटरव्यू विश यू ऑल द बेस्ट जो लोग इस स्टेप तक आ जाएंगे या आने वाले हैं या आ चुके हैं क्योंकि कुछ लोगों को दो दिन का इवेंट भी मिल सकता है कुछ को तीन का भी मिल सकता है या एक दिन में भी सब कुछ हो सकता है इवेंट बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं पर जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है वो कभी चेंज नहीं हो सकता ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा कम टू द पॉइंट नाउ इस स्टेप में एच आर वाले आपसे क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ कि कौन से सवाल आ सकते हैं टेल अस अबाउट यूर सेल्फ वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन अवर कंपनी वाई डू यू वॉन्ट जॉब टेल मी अबाउट अ टाइम एन यू डिस योर को वर्क वट आर योर स्ट्रेंथ्स व्हाट आर योर वीकनेसेस टेल अस अबाउट अ टाइम वैन यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन और बहुत सारे सवाल आ सकते हैं जिनके आंसर के लिए एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ काइंडली आप चेक कर लें इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जिसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है और जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको आप गूगल भी कर सकती हैं आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर career एंड नेवर lose होप फॉर anything. Please प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस जॉब एडवाइजर चैनल इफ यू थिंक दिस वीडियो इज Don't forget डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर योर टाइम एंड बाय बाय